तेरे बिन सानू सुनिया कोई हो नहीं ओ लभना जो देवे रूह नू सुकून चुके जो नखरा मेरा। आज आपसे अब मैं पता कोशिश मेरी रोज़ ही होती है रोज़ छोटा छोटा रिकॉर्ड करूं, लेकिन अभी मैं अभी बाहर मैं कहीं भी नहीं जा रही थी, घर पर ही थी और कुकिंग करने लगी थी। तो आज मैं चिकन बना रही हूँ, लेकिन उसके भी मुझे मेरे पास ना इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं है। जैसे अगर मेरे घर में हरी मिर्चें या हरा धनिया ख़त्म हो जाए ना, तो मेरा सीरियसली दिल नहीं चाह रहा होता कुकिंग का, तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें कम है और होनी चाहिए। तो और सही बात यह कि ना आज मेरे पास हरा धनिया है और ना ही मेरे पास हरी मिर्चें, लेकिन उसके बगैर ही चिकन बना रही हूँ जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं उनके साथ। तो खाना बनाते हैं, साथ साथ बात करती हूँ। चावल बॉयल करके कल के पड़े हुए थे, सॉरी रात के पड़े हुए थे जो कि हैं, उसके साथ ही हम खाना खाएंगे। तो कुकिंग करते हैं। आज मौसम अच्छा है, आजकल शुक्र अल्लाह का पता मुझे अच्छा मौसम यहाँ पे लगता है जब धूप निकली हो और सर्दी ना हो, क्योंकि सर्दी से ना मुझे एक अजीब सा डर सा शुरू हो जाता है। तो कुकिंग करके निकलनी है, क्योंकि आज अभी तक मैंने कुछ नहीं बनाया, वरना सुबह सुबह मैं बना चुकी होती हूँ। मेरे साथ ऐसे होता है कि अगर मेरे घर में हरा धनिया या हरी मिर्चें ख़त्म हो जाए ना, तो मुझे लगता है कि बस दिल नहीं चाहता उस दिन कुकिंग का। और छोटी मोटी चीज़ भी जो मैंने जहन में सोची होती है, जैसे अगर मैं पालक और गोश्त बना रही हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि साबुत लाल मिर्चें हों, ना हो तो फिर मेरा दिल मुझे होता है कि आज पालक गोश्त ही बन सकता। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ। आज मेरे पास हरी मिर्चें भी नहीं है, हरा धनिया भी नहीं है। तो लेकिन मैं जैसे चिकन बनाना चाह रही थी वो भी मैं नहीं बना सकूँगी, लेकिन बहरहाल खाना तो बनाना है। और बॉयल्ड राइस हमारे पास रात के पड़े हुए हैं, वो इसके साथ लेंगे, हम लोग सर्व करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि वो नहीं है ना, ड्राइवर नहीं है, आमिर और नवीद नहीं है जो भाग के जाएं और चीज़ें ले आएं, तो वैसे मैं बिल्कुल साथ ही, मज़ा बहुत आता है ग्रोसरी करने का। मैं और आप जाके ला सकते हैं, बच्चे भी ला सकते हैं, लेकिन सारे अपने अपने काम में बिजी हैं। तो मैं खुद ही अभी जो मेरे पास पड़ा है वो खाना बनाएंगे, तो साथ फिर और बातें भी करते हैं। मक्खन तो शुक्र है पड़ा हुआ था, मक्खन मैं डाल रही हूँ इसमें। अच्छा, मैंने ना कल की वीडियो में कहा था कि हम लोग सब अपना अपना काम करें, कल की नहीं परसों की शायद वीडियो में, और सब मुझसे पूछ रहे हैं आप क्या काम करती हैं, आप क्या काम करती हैं। तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि इतनी रोशनी है कि मुझे स्टोव नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को सबको पता है कि जब मैं पाकिस्तान में थी, आप लोगों के सामने मुझे ऑर्डर्स वगैरह मिलते थे, मैं फर्नीचर वगैरह का तो करती ही थी, वो तो मैं कर ही रही थी। अब जाहिर है यहाँ पर तो मैं वो नहीं कर रही, तो यहाँ पे मैं जो अपनी जो वीडियोज़ बनाती हूँ, जो मेरा चैनल है, वो मेरा काम है और मैं इसको सीरियसली लेती हूँ, गुस्सा नहीं लेती कि ये भी मेरा काम है। तो इससे मेरा काम तो चलता ही रहता है। और मैं आज हम लोग अभी थोड़ी देर तक जाएंगे डिवॉन, जो देसी बाज़ार है जहाँ से हम लोग मीट वगैरह वहीं से लेकर आते हैं, क्योंकि हलाल मीट और वो एक स्पेसिफ़िक एरिया जहाँ से मिलता है वहीं से जा लाना होता है। तो वहाँ हम लोग जाएंगे, और वहाँ जब मैं जाती हूँ तो मैं गोलगप्पे ज़रूर खाती हूँ, हम लोग सारे लेते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह वो आज एक्साइटेड होकर वो हम खाएँगे। अच्छा, मैंने बटर डाला है पैन में, और साथ बटर के साथ जब भी हम मक्खन डालें तो आपको थोड़ा सा तो ऑयल डालना पड़ता है, क्योंकि वो वरना मक्खन जल जाता है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारे अनियंस,
अच्छा, मैंने कहना ये था कि आज हम लोग जाएंगे दीवान यहाँ से, और वहाँ पे देसी जो ग्रोसरी है ना, सारी हम लोग वहाँ से करते हैं। हर जगह का अपना, हर जगह का एक अपना देसी बाज़ार होता है यहाँ पर, जो यहाँ पे शिकागो में दीवान वो काफ़ी मशहूर है, सब लोग वहीं से चिकन वगैरह और वो चीज़ें लेकर आते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा रहता है, मज़ा आता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ ले आते हैं। जो हमारी हम लोगों की देसी वाली हरी मिर्चें हैं ना, वो कहीं और से नहीं मिलती, वो सिर्फ वहीं से मिलती हैं, और उनके बगैर वो जो मैं अभी बता रही थी कि मुश्किल हो जाता है खाना वाना बनाना, मुझे मुश्किल लग रहा होता है। हरा धनिया भी अच्छा, एक चीज़ होती है सोया, पता नहीं अब उसको मैं भूल रही हूँ उसको क्या कहते हैं। मैं कल परसों मैं हम लोगों ने किसी से ना मंगवाया था हरा धनिया, तो वो गलती से पार्सले लेकर आ गए थे। तो पार्सले देखने में तो हरे धनिया जैसा ही होता है, क्योंकि पार्सला का थोड़ा सा टेस्ट मुझे ना उसका कभी कभी लगता है जैसे सोया होता है, मुझे नहीं पता सोया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन बारीक लंबा लंबा होता था, उसकी एक देसी सी खुशबू होती थी जो अक्सर साग में या किसी और चीज़ में सब डालते होते थे अम्मियाँ मेरा डालती। प्याज ब्राउन कर रही हूँ, साथ साथ हल्का सा ब्राउन कर रही हूँ मेरे पास, और इतना अच्छा व्यू है उस तरफ सारी हम लोगों की मिशिगन लेक है, और हम लोग इस पर 50th फ्लोर पर हैं, तो प्याज को हल्का सा ब्राउन तो नहीं करना, मैंने सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है। ब्राउन किया फिर तो वो बिल्कुल ही देसी केक बन जाएगा खाना, तो मैं थोड़ा सा कोई बहुत रवायती किस्म का बनाना ही चाह रही, नॉर्मल एक बन जाए चिकन, ताकि घर का भी रहे। पता बाहर के खाने से ना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वेट गेन करता है इंसान, और घर का फिर आपके महंगा तो वो होता ही है, वो तो कर। मक्खन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, सुबह उठते ही ना जैसे जब पाकिस्तान में आता है ना बेबी बाजी, तो वो जब मैं हम लोग सुबह सो के उठते हैं ना, तो वो YouTube पे अपलोड हुआ होता है, तो सुबह उठते ही मेरा सबसे पहला काम ये होता है, चाहे मैं खदीजा के साथ हूँ चाहे मैं मरियम के साथ हूँ, सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ बेबी बाजी। तो ये लोग तो नहीं देख रहे थे, लेकिन वो मेरी वजह से अब देखना शुरू हो गए हैं कि क्या है, इंटरेस्ट डेवलप हो गया है उनका। तो उसमें आजकल जिस स्टेज पे चल रहा है ना ड्रामा, समीना अहमद मेरी फेवरेट है हमेशा से, इतनी मुझे अच्छी लगती हैं वो, ग्रेसफुल और जैसे अभी तक उनका इतना डिग्निफाइड कैरेक्टर और इतना अच्छा लग रहा है उनको देखकर, तो मुझे बहुत ही सैड फीलिंग्स और रोना ही आ रहा है उनके आजकल के सारे ड्रामे उस पर, लेकिन मज़ा बहुत जवेरिया की एक्टिंग का आ रहा है, जवेरिया जो अज़रा बनेगी उसमें, और मैंने तो सोच लिया, मुझे पता ही नहीं था कि जवेरिया मेरी फेवरेट बन जाएगी, अब जवेरिया अब्बासी मेरी फेवरेट हो चुकी है आजकल, क्योंकि जितनी स्पॉन्टेनियस उनकी एक्टिंग है और जितना अच्छा वो कर रही होती है। कल तो मुझे बहुत ही मज़ा आया जब वो एंटर होके कहती हैं मैं आ गई, जैसे वो बहुत सास उनकी उदास हूँ उनके लिए। चिकन ऐड करने लगी हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट, वही बात है इस टाइम पे ना मैं हरी अपनी हरी मिर्चों को और साबुत लाल मिर्चों को बहुत ही मिस कर रही हूँ। इस टाइम पर अगर वो होती ना हरी मिर्चें और हर हाँ साबुत लाल मिर्चें तो बड़ा मज़ा आता। शुक्र है काली मिर्च है,
अच्छा काली मिर्च का ना बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। और वैसे मैं इतनी वीडियोज में बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि हर जो गरम मसाला है ना उसका अगर आप थोड़े अपने एक थोड़े उसमें यूज़ करें ना, मतलब ज़्यादा तो ना नमक अच्छा है ना मिर्च अच्छी है, वो तो एक अलग बात है। तो इन चीज़ों के बहुत फ़ायदे हैं। काली मिर्च तो आपकी सब चीज़ों को इवन मैंने आँखें इसके साथ अच्छी होती है जो पढ़ा था मैंने, मुझे बहुत हैरत हुई थी क्योंकि मेटाबॉलिज्म तेज़ करती है, वेट लॉस वगैरह के अलावा आँखों के लिए भी अच्छे, ये नहीं मुझे पता था। तो काली मिर्च का फ़ायदा है, दालचीनी इलायची का अपने बहुत फ़ायदे हैं। तो घर का जो मसाला होता है ना इससे आपका कभी भी तबीयत बोझल नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी। जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है ना वो बस ये कहते हैं बड़ा मसाला ये वो, ये जो शान के मसाले लेंगे या आर्टिफिशियल जो भी आप मसाले लेंगे जो आपको साबुत नज़र नहीं आ रहे, साबुत दालचीनी इलायची है वो तो आपको पता है ना, वो तो कुदरती चीज़ है। लेकिन अगर आप उनका जो मिक्सचर्स हैं वो लेंगे बहुत सारे तो उसके अंदर कुछ इन्होंने और चीज़ें ऐसी ऐड की होती हैं जो कि हमारी बॉडी उनको रिकग्नाइज नहीं करती, तो जाहिर है उसको डाइजेस्ट वो नहीं कर सकेगी। फिर बाहर के जो ऑयल्स और वो चीज़ें होती हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं होती, उसकी वजह से भी तबीयत ख़राब होती है। तो हमें लगता है कि हमने आज ये खाना खाया उससे तबीयत ख़राब हो गया, हालांकि काफ़ी अच्छे से जो हम लोग गलत खाना खा रहे होते हैं ना तबीयत उसकी वजह से ख़राब हो जाती है। आप ये मैकडोनल्ड्स या ये बाकी मैकडोनल्ड्स के मैं भी खाती हूँ, मुझे बहुत मज़े का लगता है, बाहर के खाने मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि ज़रा कम कम ही खाने चाहिए, ये मेरा मतलब है। कल मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो देखी, अभी तक मैंने वैसे वो ट्राई नहीं किया, शायद आप लोगों ने भी किसी ने देखी हो वो, जिसमें वो दिखा रहे दही उन्होंने बनाया ग्रीन चिलीज से उसको, और मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने तो अम्मी से जाग लगाना ही सुना है, दही को जाग लगाते हैं दूध को तो वो फिर दही बनता है उसको, आप भी बताइएगा आप लोग उसमें क्या कहते हैं। हम लोगों के घर में तो जाग लगाना उसे बोलते हैं, जैसे जाग लगाते हैं फिर दही जमता है, तो वो उन्होंने जाग लगाया जो ग्रीन चिलीज है उनकी स्टैम्प से, तो मुझे वो अच्छा लग रहा था उसमें। फिर वो बता रही थी कि काफ़ी अच्छा फ्लेवर चिलीज का आया हुआ था, तो वो भी मैं ट्राई करूँगी। यहाँ वाले जो दूध हैं तो वो फ्रेश दूध से बनता है जो दही बनता है, तो अब पता नहीं कैसे बनेगा, मैं चाह रही हूँ छोटे चूल्हे पर रखूँ उसको। अच्छा इसलिए मैं दिखाती हूँ इसकी हल्की सी ग्रेवी सी बन जाएगी तो वो राइस के साथ अच्छी भी लगेगी। तो अच्छा यहाँ पे तो मुझे तो पता ही नहीं था कि जैन भी अच्छा खाना बनाता है, जैन ने कढ़ाई एक दिन बनाई थी बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही अच्छी। तो अब मैं किसी दिन शायद स्टेक्स, तो मुझे रोज़ अक्सर कहता है मामा मैं बनाऊँगा आज मैं स्टेक्स बनाऊँगा, लेकिन टाइम ही नहीं इनको बच्चों को बेचारों को मिल रहा होता है, इनके काम शाम इतने सारे होते हैं। अच्छा थोड़ी देर इसको मैं अब मेरा ख्याल है दम पर रख दूँ, इसको मैंने थोड़ी देर दम पे रखा है, फिर इसको भून लूँगी, फिर ये तैयार हो जाएगी, फिर हम खाएंगे इंशाल्लाह और फिर निकलेंगे आगे कामों पे। अमेरिका का ना एक अपना स्टाइल है, इनकी जगहों का, इनके डेकोर का, इनके सोफ़ों का। ये सामने टीवी है, दो स्टूल्स हैं और ये सोफ़ा इतना कंफर्टेबल है, और मुझे पहले नहीं पता था, आज ही पता चला कि इस तरह के ये जो सोफ़े हैं इनका नाम है बॉयफ्रेंड्स सोफ़ास, इस स्टाइल का नाम है, कुछ ख़ास स्टाइल है। हाँ एक और चीज़ भी है जो घर से ख़त्म हो जाए, मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर से ख़त्म हो जाए, उलझे लीनूंगी। मैंने अपनी एज के साथ जो जो चीज़ें अपनी सुनती कुछ चीज़ें बहुत रूटीन में शामिल करनी है, कभी शेयर करूँगी, वो भी सब आप लोग बहुत पूछते रहते हैं। उनमें से एक लेमन है, वो भी मैं
एक ग्लास पानी में निचोड़ के पीती हूँ। होते हुए कुछ बेनिफिट्स यकीनन होंगे ही, अल्लाह ने अपनी हर चीज़ ऐसी तो नहीं बनाई, कोई ना कोई फ़ायदा तो होता ही है हर चीज़ में, जो भी नेचुरल चीज़ें होंगी। ये भुन गया चिकन और आप इसमें ना ये हाफ एंड हाफ डालेंगे। ये ना क्रीम है हाफ एंड हाफ, यानी कि दही में भूना और अब मैंने इसमें क्रीम डाली है। पाकिस्तान में जो आती है ना मिल्क पैक पर रखी क्रीम, वो तो बहुत क्रीमी सी होती है, ये भी है लेकिन उतना हाफ एंड उतनी क्रीमी क्रीम नहीं है, बस ये हाफ एंड हाफ है, हाफ मिल्क है और हाफ क्रीम है, ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। थोड़ी देर के ना चार दिन के इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी और थोड़ा इंटरेस्टेड होते हैं मेरी तरह व्यूज वगैरह में कि कैसा कहाँ मुझे, मैं उनको दिखाती हूँ। ये लेक मिशिगन है जो कि बिल्कुल साथ है हम लोगों के घर के, और ये सारी ये पता नहीं लेक क्यों है, मुझे समुंदर ही लग रही होती है। ये देखें कितनी बोटिंग और कितनी बोट्स खड़ी हुई हैं, और ये साथ में सारी बिल्डिंग्स हैं। अभी हम लोग 50th फ्लोर पर हैं। उसके बाद सबसे मज़ा आता है चाय पीने का, चाय पी रही हूँ और बिस्किट ले रही हूँ, खा रही हूँ चाय के साथ, बिस्किट में डिप करके खाती हूँ हमेशा। और ना किसे मंगनी मेरी या भला